दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा चांद अगर फट गया तो क्या होगा? अगर सौरमंडल में हमारा चांद फट गया तो उसे कहते हैं कयामत। अगर आपके पास कयामत से भी कुछ भयानक शब्द है तो आप उसे मान लीजिए। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चांद नष्ट हो गया तो धरती पर जीवन नष्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन लगेंगे। चांद के नष्ट होने से धरती का एकदम से विनाश नहीं होगा, लेकिन जीवन सामान्य भी नहीं रहेगा। चांद के न होने पर धरती पर बहुत विनाशकारी बदलाव होगा। धरती पर मौजूद समुद्र को चांद ही नियंत्रित करता है। चांद धरती की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है और इसी के खिंचाव से समुद्र में लहरों का निर्माण होता है। चांद के फटने के बाद समुद्र का सारा कंट्रोल सूर्य के पास चला जाएगा। सूर्य अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी आ जाएगी और विनाश की शुरुआत हो जाएगी। चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद एक और भयंकर घटना घटेगी। जब चांद था तब धरती अपनी धुरी पर 23.3 डिग्री घूमती थी और चांद ही इसको इस डिग्री पर बनाए रखता है। अब अगर चांद नहीं होगा तो पृथ्वी अपना नियंत्रण खो चुकी होगी और अब धरती जोर जोर से हिल रही होगी। इस तरह हिलने के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलने लगेगा। जिस हिस्से पर पहले कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, अब वहाँ बर्फ़ पड़ने लगेगी और पहले जहाँ बर्फ़ पड़ती थी अब वहाँ ज़ोरदार गर्मी होगी। बिना चांद के बाकी ग्रहों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, परंतु चांद के न होने पर पृथ्वी अपने एक्सिस से डगमगा रही होगी, इसलिए हर घंटे मौसम बदलेगा। चांद के न होने पर पृथ्वी में सूर्य उदय और अस्त होने का समय भी बदल जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा के फटने से हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।